हेलो फ्रेंड्स, अंकित अंजलि ब्लॉग्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी कुरकुरे फिश फ्राई। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखते ही आपके मुंह से पानी आ जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमने फिश फ्राई किया है और इसके लिए हमने देख सकते हैं फ्राई करने के बाद इस पर थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पर आप मछली देख सकते हैं कितनी लाजवाब बनी है। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज रख दिया है। इससे खाने के बाद हमारी मछली का स्वाद और टेस्टी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे फिश फ्राई। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल मेरी ही तरह फिश फ्राई करके एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है, जिसे बनाने के बाद ये बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी लगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अंकित अंजलि ब्लॉग्स में आज बनने जा रहा है फिश फ्राई। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने मछली को पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से आटा और नमक डालकर अच्छे तरीके से दो तीन पानी से हमने साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आप अपने अनुसार से नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही स्पाइसी चीज। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पे हमने लिया है चाट मसाले, ये हमारे मछली को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू, और नींबू को हमने अच्छे से कट कर लिया है और चारों तरफ हम नींबू को रस को अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए हम मछली में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारी मछली में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि ये अच्छे तरीके से एब्जर्व हो जाए मछली में जाकर सारे मसाले। इस तरह से बनाने पर हमारी मछली जो है और भी टेस्टी बनेगी। तो 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाले को मिलाकर मछली में हमने इसे 10 मिनट तक छोड़ दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले। तो मसाले में आप देख सकते हैं हमने लिया है सरसों, धनिया, जीरा मरीच, लहसुन, इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो इसमें हम 2 चम्मच ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले को। दोस्तों इस तरीके से बनाने से हमारी मछली जो है बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेटर और बहुत ही डिलीशियस सुपर बनने वाली है। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल, और तेल को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। बिल्कुल धुआंदार तेल हमें गर्म करना है। दोस्तों मछली बनाने का पहला सीक्रेट यही होता है कि आप तेल को बहुत ही ज्यादा गर्म करें। अगर आप तेल को जितना गर्म करती हैं, तब जाकर आपकी कोई मछली जो है जिसे बनाना भी नहीं आता है वो भी आसानी से मछली फ्राई कर सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको फिश फ्राई बनाकर दिखाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होता है। और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अगला प्रोसेस तैयार करेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, और बर्तन में हम ऐड करेंगे बेसन। 2 चम्मच के बराबर हमें बेसन ऐड कर लेना है, ताकि हमारा जो मछली के अनुसार से हमें
इसमें ऐड करना है, आप अपने अनुसार से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा से जो हमारा मछली जो तैयार होगा बनकर, वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल हल्का सा नमक, क्योंकि हमने मछली में पहले से नमक ऐड कर दिए थे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल बराबर हमें मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका घोल तैयार करेंगे। इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार करना है, ताकि इसमें गुठलियां ना बने। इसलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मसलते हुए एक बैटर तैयार करना है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके के हमारा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ताकि हमारा जो मछली फ्राई होगा वो बहुत ही टेस्टी होगा। तो दोस्तों, अब चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे ही तरह से बनाएंगे तभी जाकर आपकी मछली जो है बहुत ही डिलीशियस और सुपर बनेगी। तेल हमारा बिल्कुल धुआंधार गर्म हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें फटाफट इसका फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है बेसन और इसका पेस्ट तैयार करके जो रखे हैं, उसमें हम मछली लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। बेसन लपेटेंगे, बिल्कुल बराबर हमें बेसन लपेटना है इस तरीके से, और सबको हमें ऐड कर देना है। तो इसी तरह करके हम 5-6 मछली अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे। मछली को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर दिया है तेल में। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे नीचे से, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी मछली जो है नीचे की तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे पलटे की सहायता से अच्छे तरीके से पलट लेंगे, ये देखिए, वाव। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। वाव, आप देख सकते हैं अब हमारा मछली जो है अच्छे तरीके से पलटा जाएगा। देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे और अच्छे से पकाएंगे नीचे की तरफ से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मछली को हमने बिल्कुल अच्छे से पलट लिया है मछली को, और इसे हम अच्छे तरीके से उलटते पुलटते हुए हम इसे अच्छे से पका लेंगे, यानी इसका फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अभी ही मछली मेरी कितनी लाल दिख रही है दोस्तों, हम आपसे क्या बताएं, ये कितना टेस्टी हुआ है। मछली जो है कितना लाल लाल दिख रही है दोस्तों। दोस्तों, हमें इसमें कलर हमने बिल्कुल नहीं ऐड किया है, आप देख सकते हैं, तभी हमारी मछली जो है कितना सुंदर इसका फ्राई हो रहा है, और ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम अगले प्रोसेस आपको फिर दिखाएंगे दोस्तों, तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम इसे अभी अच्छे से उलटते पुलटते हुए हम इसे बिल्कुल अच्छे से लाल कर देंगे पकाकर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा फिश फ्राई जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कितना कुरकुरा हुआ है। तो दोस्तों, अब अंजलि को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।